तो बरेली आपको ले गए थे? हाँ, एक महीना 15 दिन बंद करके और इन्होंने पागल का सर्टिफिकेट बनवा लिया। अच्छा, अब हमारी जायदाद चीज वत्त सब कब्जा कर रही, और घर में आती चीज वत्त वो मेरे ने कब्जा कर रही। अच्छा अच्छा दादा, हिंदी में बोलो दादा। तो यानी जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, जो भी चीजें थी, वो सब इन लोगों ने कब्जा कर ली। हाँ, यानी आपके लड़के ने? हाँ, मारते भी आपको है ना? मारते साहब बहुत। अच्छा, मारते भी आपको। तो गांव का नाम क्या आपके? मुझे आपको थाना सुरसा, थाना सुरसा, ग्राम हुसियापुर, जिला हरदोई। जिला हरदोई। तो हाँ, आपने अप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगाई? हमने डीएम यहाँ लगाई, डीएम हाँ सुरसा लगाई, यहाँ लगाई जी, सब कहूँ लगाई, चौकी पर लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं मेरी हो रही है। अच्छा अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लड़के पीटते मारते हैं। और आप ये जो आश्रम है यहाँ, तो आप यहाँ मतलब भाग कर आए या रहे? आश्रम पर हमको तबाह करने से मैं आश्रम पर रहता हूँ। अच्छा, आपको परेशान उन्होंने किया तो तुम यहाँ पे आ गए। हाँ, बाकी कपड़े उपड़े गए आपके? कपड़े पड़े सब घर पर, घर में पड़े हुए हैं। बच्चे मारते, कितने लड़के हैं आपके? लड़के शायद हमारे साथ 3, तो हमका बाटू बहुत मारते। बाटू? हाँ, बाटू लिखा। बाटू असली नाम है या कोई और नाम? उसके काम क्या करता है ये? गल्ला का काम करता है। हुसियापुर गाँव है और ये मारते हैं बाटू। गांव यहाँ से कितनी दूर है? गांव जाऊँ नहर पार गांव है। अच्छा, नहर के उधर ये गांव है। दूर? अच्छा, ये बौसरा का आश्रम है, यहाँ बौसरनाथ है। हाँ। तो आप यहाँ रह रहे हो? हाँ। अच्छा, तो पागल का सर्टिफिकेट बरेली से बनाया गया है। हाँ, अच्छा, तो आप पागल तो कहीं से लग नहीं रहे हो? नहीं साहब, पागल हम नहीं, इन्होंने घूस देकर बनवाया। अच्छा, घूस देकर बनवाया है। और आज यानी आपके बच्चे आपको मारते हैं। और आपके पास खेत कितना है? 5.5 बीघा। 5.5 बीघा खेत होने के बावजूद? 5.5 जी जी जी। और हमने 4 बीघा मोड़ लो तो 4 बीघा आपने खरीदा, यानी 9 बीघा आपके पास खेत है। इन लड़कों ने हमको जबरदस्ती से बिकवा दिया था। तो यानी एसपी और डीएम कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये पागल वाला सर्टिफिकेट लगा देते हैं। कोई नहीं सुनवाई। तो उसमें आप पागल और मानसिक तनाव में आ जाते हो। हाँ। तो अच्छा अच्छा ठीक है दादा। तो आप क्या चाहते हो अब? हमका कहिए साहब, हमका ठीक है। आप हिंदी में बोलो, ये भाषा आपकी दूर तक जाएगी। अच्छा हाँ, तो आप क्या चाहते हो? आप जा चाहते हैं लड़के हमको न मारे। न मारे? आप रो भी रहे हो? हाँ साहब, आप नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। अपना देश आजाद है, यहाँ कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता है सब तरीके से। और फिर माँ बाप की तो सेवा की जाती है, उनको मारा थोड़ी नहीं जाता है। इन्होंने ऐसा कर्म किया है तो खैर, इसकी सुनवाई होगी। और मैं शैलेंद्र सिंह आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये बुजुर्ग आदमी है, इनको पागल का सर्टिफिकेट बनवा करके बरेली से कहाँ से किन डॉक्टरों ने बनाया है, उन सबको लाइन हाजिर किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये दादा बहुत परेशान है, इनकी कोई यहाँ सुनवाई हरदोई जिले के अंदर नहीं हो रही है, हरदोई उत्तर प्रदेश। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रिक्वेस्ट है आपसे। आपके भी माँ बाप हैं, सेवा करनी चाहिए उनकी। जय हिंद, जय भारत।